हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कहानी के सफर में। तो मैं आप सभी को कहानी सुनाने वाली हूँ, आपस में प्यार है तभी परिवार है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही इनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपनी डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी के बीच वाली बेटे की बिना शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं या किसी के मुंह से पटवारे की बात निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी साधी लड़की से मझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसीलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो बेवकूफ हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है और उसकी माँ भी उससे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन और एक मकान है, अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज बनवा दूंगा। तब गवार भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम कर लिख दो और यह हमारा घर मेरी प्यारी बहन के नाम कर लिख दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा। उस गवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे की को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गवार भाई के गले लगकर लिपट कर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है, और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा, क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो एक अच्छा परिवार और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं और उस दिन से बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको यह कहानी कैसी लगी।
और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।